होमवर्क सॉल्व कर सकते हैं। क्विज को भी हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? जल्दी से मुझे कंफर्मेशन दे दीजिएगा, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? गाइस गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिएगा, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? सर जी आज मेरा फर्स्ट डे है। अच्छा हारुषि आपका फर्स्ट डे है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे मतलब कैसे बोल सकते हो आप, पहले भी दिखाई दिए हो मुझे तो। चल नजर अहमद जी बिल्कुल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस। मधुकर जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी का दोस्तों? आप सभी लोग कैसे हैं? मस्त मजे में रापचिक एक तरीके से। चलो स्टार्ट किया जाए अपने सेशंस को विदाउट एनी डिले। तो देखो सेशंस को स्टार्ट करते हैं हम अब विदाउट एनी डिले नाउ। अच्छा इस टाइम की क्लास में, ओके ओके कोई दिक्कत नहीं, स्वागत सभी का। बहुत बढ़िया मधुकर जी, यू आर अ हार्ड वर्किंग वन। चलो स्टार्ट करते हैं सेशंस को यहाँ पर विदाउट एनी डिले। बाकी लोगों को सेशन शेयर कीजिएगा, बाकी लोगों को सेशन शेयर कीजिएगा जल्दी से, बाकी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और बाकी लोग हमारे साथ जुड़ें हम रहें। जल्दी जल्दी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शुभम भाव सर जी। चलो स्टार्ट करते हैं सेशंस को। अ लूज यूनिफॉर्म सैंड विद अ राउंडेड ग्रेन्स हैज इफेक्टिव ग्रेन साइज ऑफ 0.05 सेंटीमीटर, कॉफिशियंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ द सैंड इज। हमसे कॉफिशियंट ऑफ परमिबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है, इफेक्टिव साइज ऑफ ग्रेन इतना दिया गया, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। अच्छा ये भी मुझे करना पड़ेगा, चलो डाल देता हूँ यार, तुम बोलते हो तो डाल देता हूँ मधुकर जी। हाँ भूल गया मैं आज, अरे यार आज दिमाग ऐसे ही है मेरा यार, बड़ा थका हुआ सा फील कर रहा हूँ। मेंटली एंड फिजिकली बोथ। चलो आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो इसमें आंसर दीजिएगा। लूज सैंड, प्लीज थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना आज, ठीक है। चलो चलो हम बात करते हैं यहाँ। लूज यूनिफॉर्म सैंड विद अ राउंडेड ग्रेन हैज एन इफेक्टिव ग्रेन साइज ऑफ 0.05 सेंटीमीटर, द कॉफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सैंड इज। कॉफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालना। देखो अगर हम बात करें तो एलन हैजन इक्वेशन हमने पढ़ी हुई थी, एलन हैजन इक्वेशन से क्या बोलता है, के इज इक्वल टू क्या बोलता है, सी इंटू डी टेन का स्क्वायर, यही बोलता है। यानी C एक कॉफिशियंट होता है जो कि पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है, और C की जनरल वैल्यू कितने ले ली जाती है, 100 ले ली जाती है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो 100 से लेकर के 150 के बीच में निकल के आती है। तो K इज इक्वल टू कितना होता है, 100 इंटू 0.05 का स्क्वायर, और ये कितना आएगा, 0.05 यानी हम बात करते हैं 100 यानी हम 10 यानी कितना, 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड निकल करके आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग। तो हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर निकल करके आएगा। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 का, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से सेशन को शेयर करो यार, और सेशन को शेयर करते करते जल्दी से आगे की तरफ बढ़ो, बाकी लोगों को बुलाओ, कहाँ गए हैं बाकी लोग, ठीक है। आज ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन हाँ नॉर्मल सेशन हम रखेंगे। इफ अ थिन प्लेट इज हेल्ड 30-35 क्वेश्चन जल्दी से करते हैं, ठीक है। इफ अ थिन प्लेट इज हेल्ड पैरेलल टू द फ्लूइड स्ट्रीम देन द प्रेशर ड्रैग ऑन इट इज, ठीक है। अगर हमारे थिन प्लेट है तो थिन प्लेट को हमने ये रख दिया है, और अगर हमने रख दिया थिन प्लेट को रख दिया है इस तरीके से रख दिया है, अगर थिन प्लेट को इस तरीके से रख दिया गया तो इस पर प्रेशर ड्रैग कितना होगा, यहाँ पर देखो प्रेशर ड्रैग कितना होगा, फ्लो ओवर अ थिन प्लेट, एक थिन प्लेट के ऊपर इस तरीके से फ्लो निकल के आ रहा है, तो थिन प्लेट के ऊपर इस तरीके से फ्लो निकल के आ रहा है, तो फ्लूइड स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, प्रेशर ड्रैग ऑन दिस, हमारे प्रेशर ड्रैग ऑन दिस कितना निकल के आएगा, तो हमारे प्रेशर ड्रैग ऑन दिस निकल के आएगा 0, क्योंकि इस पे कोई भी प्रेशर काम नहीं कर रहा होगा, कोई भी प्रेशर काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हम बात करें विस्कोसिटी वेरी स्मॉल अप्रोक्सीमेटली, इसकी थिकनेस जो है वो बहुत है, थिकनेस है बहुत कम है, थिकनेस जो है वो वेरी स्मॉल है, और अगर वेरी स्मॉल थिकनेस हुई इसलिए कोई भी ड्रैग काम नहीं करेगा, जो लेमिनार है इसके साइड से इस तरीके से निकल के निकल जाएंगी, जो भी प्लेट्स हैं वो इस तरीके से साइड से निकल जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सपोज एरिया जो है वो, एक्सपोज एरिया क्या है, कम है, एक्सपोज एरिया कम है इसलिए हमारा ड्रैग 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इस तरीके से वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द फ्लो, परपेंडिकुलर टू द
फ्लो हमने रख दिया, अगर हमने प्लेट को परपेंडिकुलर टू द फ्लो रख दिया तो एरिया क्या है, सफिशियंट एरिया एक्सपोज मिल रहा है या नहीं, सफिशियंट एरिया एक्सपोजर मिल रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर या कुछ ना कुछ हम बात करते हैं यहाँ पर प्रेशर ड्रैग निकल करके आ जाएगा। तो इस कंडीशन में जीरो प्रेशर ड्रैग है, इस कंडीशन में प्रेशर ड्रैग काम करेगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये कंडीशन निकल के गया है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सौरभ बैरा जी काफी दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया सौरभ बैरा जी, स्वागत है आपका। चलो तो हम बात करें, द इनसाइड वॉल ऑफ सेप्टिक टैंक इज फिनिश्ड विद अ 12 mm सीमेंट प्लास्टरिंग विद 1:4 मोर्टार, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन क्यूबिक मीटर रिक्वायर्ड इफ द साइज ऑफ द सेप्टिक टैंक इज 6 × 4 × 2, कितना 6 × 4 × 2, ये क्या है 6 × 4 × 2, सेप्टिक टैंक है देखो, तो 6 मीटर हम बात करते हैं लेंथ होगी, 4 मीटर हम बात करें विड्थ होगी, और 2 मीटर क्या होगी हमारी, क्या निकल जाएगी थिकनेस निकल जाएगी या लेंथ, इस तरीके से निकल जाएगी। तो ये सेप्टिक टैंक हमारा बनाया गया है, ये सेप्टिक टैंक यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। तो अगर ये सेप्टिक टैंक बनाया गया तो 6 मीटर हमने बात की, एक 6 मीटर डायमेंशन है, एक हमारी क्या है 4 मीटर डायमेंशन है, और एक हमारी क्या है 2 मीटर डायमेंशन है, यही होगा हाँ या ना। तो हम बात करते, देखो अगर हम बात करें सेप्टिक टैंक में, तो 6x4 की दो दीवार है गई, और कितना हम बात करते हैं 4x2 की दो दीवारें हो गई, 6x4 की दो दीवार हो गई हैं, ये 6x4 की हो गई है यहाँ पर, ये 6x4, ये 6x4, और इस साइड वाली जो वॉल हो गई वो कौन सी हो गई है, वो 2x4, और ये भी 2x4 की, तो दो दो दीवारें 2x4 की हो गई। तो हम बात करें 2 times ऑफ कितना 6x4 प्लस कितना 6x4 और 4x2 की दो दीवारें निकल कर आ गई, आ गई है, यानी थिकनेस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, हम क्या करेंगे इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे किसके थिकनेस से, थिकनेस कितनी है 12 mm, 12 mm का मतलब 0.012 निकल के आएगा, और 0.12 निकल के आया मतलब कितना 0.48 मीटर क्यू निकल करके आया, कितना 0.48 मीटर क्यू, और 0.4 में हाँ हम 0.48 मीटर क्यू निकल के आया। अब देखो अगर हम बात करते हैं जब भी हमें ड्राई मोटर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं इसको, ड्राई मोटर जो निकालेंगे वो ड्राई मोटर इज इक्वल टू कितना था, ड्राई मोटर 0.48 कितना 1.52 से मल्टीप्लाई करते थे, और इंटू वन अगर हम बात करें तो ये निकल करके आता था, ये भी कुछ वैल्यू निकल के आएगी। तो हमारे सीमेंट क्वांटिटी, तो ड्राई सीमेंट की क्वांटिटी निकालना है तो कितना होगा 1/4 × 0.48 × 1.52, बताओ कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 0.14 के आसपास आ रहा है, ये बताओ 0.14 के आसपास आ रहा है या नहीं, हाँ या ना, 0.14 के आसपास आ रहा है, कितना आ रहा है, अरे हाँ है ना तो बता दो, 0.14 के आसपास आ रहा होगा, तो वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। लेकिन यहां पर एक गुगली होगी, आंसर 0.096 दिया गया है, क्यों पता है, क्यों, क्योंकि जब एसएससी ने आंसर दिया था 2018 का क्वेश्चन है, एसएससी 2018 का क्वेश्चन है, और 2018 में जो आंसर दिया था एसएससी ने यह कन्वर्जन नहीं किया था, एसएससी ने सीधा निकाल दिया था 0.48/5 कितना होगा, निकाल दो जल्दी से 0.48/5 कितना है हो रहा तो हम बात करें हमारा क्लोज आंसर कितना निकल के आना चाहिए, ऑप्शन 3 आना चाहिए, लेकिन एसएससी ने कौन सा दे दिया ए, तो यहां पर भी वो आंसर कौन सा दिया है, ए आंसर दिया है, जबकि राइट आंसर क्या आना चाहिए, ये ए कैसे आया, ये समझ में आया, ए आंसर कैसे आया, अरे बोथ साइड नहीं दे दिया उसने, अरे यही तो बात है, बोथ साइड नहीं दिया उसने, क्या है ये मल्टीप्लाई फैक्टर 1.52 से मल्टीप्लाई ही नहीं किया था उसने, उसने डायरेक्टली वेट वॉल्यूम निकाल के दे दिया था, डायरेक्टली वेट वॉल्यूम निकाल के दे दिया था, वेट वॉल्यूम की बात करते हैं, आया समझ में ये क्वेश्चन, कहीं पर अगर आंसर मिले इसका ऑप्शन नंबर 1 तो क्यों दिया है, क्योंकि एसएससी ने वो आंसर दिया हुआ था, क्लियर गाइस। गुड इवनिंग आकाश जी, गुड इवनिंग, बिल्कुल बहुत बढ़िया, तो हम बताते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर होगा, और एसएससी ने जो आंसर दिया था वो ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया हुआ था इसमें। चलो हाँ बहुत बढ़िया, सभी लोग समझ गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सार्थक जी, बहुत बढ़िया। देखो कुछ भी हाथ में होना चाहिए, आप एक बार इंटरव्यू जरूर फेस करें, उससे आपको सीखने बहुत कुछ मिलेगा। चलो The allowable tensile stress in the high yield strength deformed steel struts, high yield strength deformed steel struts used in reinforcement is in newton per mm square is,
इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज, वो कितना निकल के आता है? तो हम बात करते हैं अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेसेस इन हाई यील्ड स्ट्रेस डिफॉर्म्ड स्टील स्ट्रप्स यूज्ड इन रेनफोर्समेंट इज, कितना होता है? वो होता है 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर निकल के आता है। कितना? 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सेशन को शेयर करो, सेशन को शेयर करो जल्दी से, और सभी लोग यार अपनी अटेंडेंस मार्क करो और लाइक करो इसको जल्दी से, ठीक है? तो हमारा कितना निकल गया है? 230 निकल के आता है। फिफ्थ नंबर की बात करते हैं, द सेंसिटिवनेस ऑफ अ लेबल ट्यूब डिक्रीजेस इफ, सेंसिटिवनेस अगर हम सेंसिटिवनेस की बात करते हैं तो सेंसिटिवनेस क्या होती है? अगर हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ लेबल ट्यूब या बबल ट्यूब कितना होता है? एन अपॉन अल्फा 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 बाई एन निकल के आता है। तो हम बात करते हैं एन डी बाई डी निकल करके आता है, ठीक है? एन डी बाई डी निकल करके आता है। तो हम बात करते हैं इसको कितना, 20, 62, 65 हम बात करते हैं, 20, 62, 65। तो हम बात करते हैं यहाँ पर एन डी बाई डी निकल के आता है, 20, 62, 65 हो जाता है। तो ये हमारा सेंसिटिविटी निकल है। लेकिन अगर हम बात करें किन किन पर डिपेंडेंसी होती है, तो हम बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ अ लेबल ट्यूब डिक्रीजेस, डिक्रीजेस का पूछ रहा है। तो हम बात करते हैं यहां पर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स इनर सरफेस इज इंक्रीज, अगर रेडियस ऑफ सरफेस इंक्रीज होती है तो हमारी सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, ना कि डिक्रीज होगी। तो ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है? डायामीटर ऑफ द ट्यूब इज इंक्रीज, अगर डायामीटर ऑफ ट्यूब इंक्रीज होता है तो अल्फा डैश क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो हम बात करें ये भी आंसर नहीं होगा। लेंथ ऑफ द पेपर बबल इज इंक्रीज, अगर लेंथ ऑफ द पेपर बबल इंक्रीज होगा तो हमारी सेंसिटिविटी क्या होगी? वो भी इंक्रीज निकल करके आएगी। तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्या बोथ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आर इज की, हाँ अगर विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी तो अल्फा डैश की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमारा ये आंसर निकल करके आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है? तो हम बात करते हैं यहां पर, तो वो कंडीशन निकल करके आती है, ठीक है? चलो क्लियर है? तो हम बात करते हैं फिफ्थ का, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सिक्स की बात करते हैं, कैलकुलेट द इफेक्टिव स्पान ऑफ अ गिवन सिंपली सपोर्टेड बीम, जो गिवन सिंपली सपोर्टेड बीम है उसका इफेक्टिव स्पान आप चेक कीजिएगा कितना निकल करके आ रहा है। इफेक्टिव स्पान की बात की जा रही है, कितना निकल करके आएगा? तो कितना होता है एल इफेक्टिव इज इक्वल टू, कितना निकल के आता है? वो होता है क्लियर स्पान, एल क्लियर स्पान प्लस कितना निकल कर क्या आता है? प्लस डेप्थ निकल के आता है, इफेक्टिव डेप्थ। और दूसरा कितना होता है? एल क्लियर स्पान, अगर हम बात करें क्लियर स्पान प्लस हम बात करते हैं कितना होता है? विड्थ बाई टू निकल के आता है, विड्थ बाई सपोर्ट विड्थ बाई टू निकल के आता है, ठीक है? तो ये कंडीशन यहाँ पे, सॉरी सपोर्ट विड्थ बाई टू दोनों जगह से निकल करके आएगा। तो हम बात करते हैं कितना निकल गया क्लियर स्पान, अगर हम क्लियर स्पान की बात करें क्लियर स्पान कितना होता है? 1500 प्लस डेप्थ कितनी है? 1750 है या नहीं? अरे हाँ या ना? तो हम बात करते हैं कितना निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा 1750, ठीक है? और ये कितना निकल करके आएगा? 1500 प्लस कितना? 200/2 प्लस 200/2। तो हम बात करें कितना? 1700। तो क्या होता है इनमें से मिनिमम वैल्यू ले ली जाती है, तो मिनिमम वैल्यू ले ली जाती है तो कितना हो जाएगा हमारा? 1700 mm निकल करके आएगा। कितना? 1700 mm, ठीक है? नहीं हो पाएगा बेटा, आप बिग बॉस देख लो पहले, ज़्यादा बेटर वो है, 10 के अंदर तो नहीं हो पाएगा। तो मिनिमम ऑफ 2 की बात करते हैं यहाँ पर, मिनिमम ऑफ 2 यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है? तो हम बात करें मिनिमम ऑफ 2 इज कंसीडर्ड। तो 6 में हमें समझ में आया, हम बात करें एल क्लियर स्पान प्लस डेप्थ और क्लियर स्पान प्लस सपोर्ट की बात करते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से लेकर गए 6 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? चलो 6 की बात, 7th नंबर की बात करते हैं यहाँ पर। देखो ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ, आज थोड़ा सा यार पेशेंस रखो, थोड़ा सा आज दिन भर हो गया, मैं भी मेंटली और फिजिकली दोनों ही थका हुआ हूँ आपके साथ। अगर मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा कॉपरेट करो यार, ये फालतू के क्वेश्चन को पूछ रहे 10 के अंदर हो जाएगा, 12 के अंदर हो जाएगा लेक्चर, नहीं करना है आप जा सकते हैं, यू आर फ्री टू लीव। मैं आपको पकड़ भी नहीं सकता हूँ कि ये ऑफलाइन क्लास हो के मैं बैठूंगा, बैठ जाओ तो बैठना ही पड़ेगा, ठीक है? चलो, इफ द रेनॉल्ड्स नंबर फॉर अ फ्लो इज 3000 देन द टाइप ऑफ फ्लो इज, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की बात करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर अगर 3000 है तो टाइप ऑफ फ्लो कैसा, अगर रेनॉल्ड्स नंबर बोला गया तो पाइप फ्लो की बात करते हैं। तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 निकल के आता है तो कैसा होता है? लेमिनार फ्लो निकल कर आता है। कैसा होता है? लेमिनार फ्लो की बात करते हैं, ठीक है? तो वो कंडीशन निकल करके आ रहा है, ठीक है? तो हम बात करते हैं, ये कंडीशन है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो 2000 से लेकर के कितना 4000 के बीच में निकल के आता है तो वो कितना होता है? वो ट्रांजिशन फ्लो होता है। वो कैसा है? ट्रांजिशन फ्लो, ट्रांजिशनल फ्लो यहां पर निकल करके आता है, ठीक है?
और अगर रेनॉल्ड्स नंबर की बात करें 4000 से ज्यादा निकल के आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टर्बुलेंट फ्लो यहाँ पर बोला जाता है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ रहा है, 3000 कहाँ से, 2000 से 4000 के बीच में आ रहा है, इसलिए हम बात करते हैं 4। अगर हम बात करते हैं OCF में, तो ओपन चैनल फ्लो में, अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 500 होता है तो हमारा कैसा होता है, लेमिनार फ्लो होता है। कैसा होता है? लेमिनार फ्लो होता है। और अगर हम बात करें 500 से लेकर के 2000 के बीच में निकल करके आ रहा होता है तो कितना होता है वो हमारा ट्रांजिशनल निकल करके आता है। कितना? ट्रांजिशनल निकल के आता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहां पर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2000 निकल करके आता है तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा टर्बुलेंट फ्लो निकल के आता है, टर्बुलेंट फ्लो निकल करके आ रहा होता है। तो हम बात करें OCF की भी बात कर ली हमने, यहां पर पाइप फ्लो की भी बात कर ली है, पाइप फ्लो की भी बात कर ली है। अगर हम बात करें पैरेलल प्लेट्स, तो पैरेलल प्लेट्स के बीच में लैमिनर फ्लो होने की कंडीशन क्या होती है, रेनॉल्ड्स नंबर किसके बराबर है, छोटा होना चाहिए पाइप फ्लो के लिए। हाँ, पैरेलल प्लेट्स में कितना होना चाहिए, 1000 निकल करके आना चाहिए। कितना? 1000 निकल करके आना चाहिए, कितने? और सॉइल के लिए कितना, 1 होना चाहिए। रेनॉल्ड्स नंबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। क्लियर भाई? क्लियर है? चलो तो 7th की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 8th की बात करते हैं, इफ बी इज द विड्थ ऑफ द फॉर्मेशन एंड डी इज द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट एंड एल इज द लेंथ एंड साइड स्लोप इज एन रेशियो 1 निकल करके आ रहा है फॉर रोड वर्क, देन द क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क इज कैलकुलेटेड एज। अगर हम क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क क्या कहते हो, देखो डी इज द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन हो गई है, डी विड्थ ऑफ फॉर्मेशन हो गया है, यहां पर कितना हो गया है हमारा एल है जो लेंथ निकल के आया, तो लेंथ कितना हो गया, एल निकल करके आ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डी इज द डेप्थ है तो हम बात करते हैं ये वाला पोर्शन कितना निकल करके आएगा, तो ये वाला पोर्शन कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन निकल करके आएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, n रेशियो वन पर डिपेंड कर रहा है। तो ये कितना दिया गया, n रेशियो वन दिया गया, उसके बेसिस पे हम ये पूरा वैल्यू निकालेंगे और फिर वहां से हम फॉर्मूला का फॉर्मुलेशन करते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। तो क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं इंटू लेंथ करते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डेप्थ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डेप्थ, हम बात करते हैं इसको हम एक्स बोल देते हैं पूरे को, तो हम बात करें हाफ एक्स प्लस डी इंटू डेप्थ, हम बात करें एक्स प्लस बी, यहां पर बी लिखो, एक्स प्लस बी इंटू डेप्थ इंटू कितना निकाला जाता है, लेंथ निकाला जाता है। तो ये हमारा पूरा वॉल्यूम निकल कर आता है, क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क निकालना है, वॉल्यूम। तो इसी को जब हम रीअरेंज करेंगे, इन्हीं टर्म्स को जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारा कितना निकलता है, बी डी प्लस एन डी स्क्वायर बाई एल निकल के आता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो हम बात करते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बी डी प्लस एन डी स्क्वायर बाई इंटू एल निकल के आता है। तो 8th की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। 9th की बात करते हैं, द टाइप ऑफ पॉइंटिंग इन विच वी शेप्ड प्रोजेक्शन आउटसाइड द वॉल सरफेस इज प्रोवाइडेड इज कॉल्ड, हमारे द टाइप ऑफ पॉइंटिंग इन विच वी शेप्ड प्रोजेक्शन outside the wall surface is provided is called, the type of pointing in which V-shaped projection outside the wall surface is provided is called as, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं weather pointing बोलते हैं, क्या बोलते हैं, weather pointing उसको बोला जाता है, क्या बोला था, weather pointing is the right answer। session को share करो यार और जल्दी से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ, उनसे बोलो कि session start हो चुका है, so please join fast। तुम ये session भी बंद करवाना चाहोगे तो फिर वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है। चलो तो हमारे 10th नंबर, एज पर IS 816/1969 द विड्थ और डायामीटर ऑफ द वेल्ड शुड बी, अगर हम बात करें विड्थ और डायामीटर ऑफ वेल्ड शुड बी, एज पर IS 816/1969 द विड्थ और डायामीटर ऑफ द वेल्ड शुड बी, विड्थ एंड डायामीटर ऑफ द वेल्ड कितना होना चाहिए, तो विड्थ और डायामीटर ऑफ वेल्ड कितना होना चाहिए, लेस देन द 3 times द थिकनेस और 25 mm which ever इज ग्रेटर, ठीक है, लेस देन द 3 times ऑफ द थिकनेस और 25 mm विच एवर इज ग्रेटर। तो हम बात करते हैं यहां पर ये आंसर तो हमारा सही निकल कर आएगा। दूसरा पढ़ लेते हैं, लेस देन द 5 times तो नहीं हो रहा होता है, थिकनेस और 35 mm इसमें से नहीं होता है, लेस देन द 10 times द थिकनेस और 45 mm विच एवर इज ग्रेटर ये भी नहीं होगा, लेस देन द 2 times द थिकनेस और 40 mm विच एवर इज ग्रेटर तो ये भी हमारा निकल करके नहीं आता। तो हम बात करते हैं यहां पर तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर निकल करके आएगा, ठीक है। चलो 11th नंबर क्वेश्चंस की बात करो बच्चों, जल्दी से 11th का आंसर बताओ, द 3 phase इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट आर, जो 3 phases होते हैं मैनेजमेंट में जो इन्वॉल्व करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो 3 phase इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट आर वो क्या होते हैं, वो हमारा होता है प्लानिंग, स्केड्यूलिंग और हमारा कंट्रोलिंग निकल के आते। तो हमारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, प्लानिंग, स्केड्यूलिंग और हम बात करें कंट्रोलिंग निकल के आया। तो 11th का हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, प्लानिंग, स्केड्यूलिंग और हम बात करते हैं कंट्रोलिंग निकल के, तो 11th का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।
ट्वेल्थ की बात करते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड इन द स्क्वायर मीटर, यहाँ पर कौन सा है जो स्क्वायर मीटर में मेजर नहीं किया जाता है, यहाँ पर कौन सा है, तो ड्रिप कोर्स, ड्रिप कोर्स की बात करें, ड्रिप कोर्स क्या स्क्वायर मीटर में होता है, बिल्कुल हम बात करते हैं स्क्वायर मीटर में होता है, डीपीसी की बात करें उसी में ड्रिप कोर्स आ जाता है, तो हम सॉरी ड्रिप कोर्स जो होता है ड्रिप कोर्स स्क्वायर मीटर में होता है, ड्रिप कोर्स स्क्वायर मीटर में नहीं होता है, डीपीसी अलग होता है, ड्रिप कोर्स अलग होता है, ठीक है। पॉइंटिंग वर्क, पॉइंटिंग वर्क को स्क्वायर मीटर में होता है, बिल्कुल पॉइंटिंग वर्क स्क्वायर मीटर में होता है। शटरिंग वर्क, शटरिंग वर्क भी किसमें, स्क्वायर मीटर में, डीपीसी भी होता है हमारा क्या, स्क्वायर मीटर में। तो ड्रिप कोर्स जो निकल के आता है वो हमारा मीटर में निकल के आता है, जनरली हम किसमें निकालते हैं ड्रिप कोर्स, जल्दी बता दो, ड्रिप कोर्स किसमें निकालते हैं, मीटर में निकाल रहे होते हैं या नहीं। तो ड्रिप कोर्स की बात करते हैं तो ड्रिप कोर्स किसमें निकालते हैं, हम मीटर में निकाल रहे होते हैं, है ना। रनिंग मीटर या मीटर में हम उसको निकाल रहे होते हैं। हाँ, मीटर या रनिंग मीटर, वही। बहुत बढ़िया आकर्ष। तो फिर ट्वेल्थ की बात करें, ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। थर्टीन की बात करते हैं, थर्टीन की बात करें, मेरा वीडियो बफर कर रहा है, सभी को बफर कर रहा है क्या, ये मुझे बताएं। मेरे मोबाइल में यहां पर बफर नहीं कर रहा है, आप सभी को बफर कर रहा है, अगर सभी को बफर कर रहा है तो नेटवर्क इश्यू से, यहां वाईफाई पर कनेक्टेड हूं मैं, बिल्कुल भी बफर नहीं कर रहा है। कोई भी बफर नहीं हो रहा है गाइस, प्लीज टेक इट सिंसियरली, आई थिंक कोई भी बफर नहीं हो रहा है। चलो चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इन अ पाइप फ्लो इज टर्म्ड एज द वाटर हैमर। वाटर हैमर का फिनोमिना क्या होता है, देखो सडनली क्या होता है, जब वाटर फ्लो हो रहा होता है सडनली हम बल्ब को क्लोज करते हैं, तो उस कंडीशन में एक क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट होता है, जिसको हम बात करें सडन राइज इन प्रेशर होता है, तो हम बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वाटर हैमर। तो सडनली जो क्लोज कर रहे हैं बल्ब को, उसके कारण एक सडन प्रेशर जनरेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर हैमर बोल रहे होते हैं। तो हम बात करते हैं क्या निकालेंगे ऑप्शंस, द सडन राइज इन द ऑफ द प्रेशर इन अ लॉन्ग पाइप, लॉन्ग पाइप में जो सडन राइज हो रहा है प्रेशर में ड्यू टू द सडन क्लोजर ऑफ बॉल, बॉल्ब के सडन क्लोजर होने के कारण, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल रहे होते हैं वाटर हैमर, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं वाटर हैमर। तो हम बात करते हैं इसको आंसर सही हो जाएगा। दूसरा, द राइज ऑफ प्रेशर इन अ पाइप फ्लो ड्यू टू द ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वॉल्व, द राइज ऑफ प्रेशर इन अ पाइप फ्लो ड्यू टू द ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वॉल्व, गलत बात है, ग्रेजुअल क्लोजर करोगे तो वाटर हैमर जनरेट हो ही नहीं गा, राइज ऑफ नेगेटिव प्रेशर नहीं होता है, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। 14 नंबर की बात करें, द स्टेबिलिटी ऑफ सबग्रेड इन पेवमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, स्टेबिलिटी ऑफ सबग्रेड इन पेवमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे इन्फ्लुएंस निकल के आता है, तो हम आगे कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन तो है एक पैरामीटर, लेकिन कॉम्पैक्शन को अगर हम वाटर कंटेंट के रिस्पेक्ट में देखें तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वाटर कंटेंट, क्यों, क्योंकि हमसे बात किया जाए जो कॉम्पैक्शन करना है, कॉम्पैक्शन एट ओएमसी किया जाता है, कॉम्पैक्शन एट ओएमसी, ओएमसी मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, और किसने अफेक्ट किया, कॉम्पैक्शन तो है लेकिन कॉम्पैक्शन को अफेक्ट किसने कर दिया, वाटर कंटेंट ने अफेक्ट कर दिया, तो वाटर कंटेंट कॉम्पैक्शन के कंपेरिजन में ज्यादा इफेक्टिव पैरामीटर निकल करके आ रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ सबग्रेड के लिए ज्यादा इफेक्टिव पैरामीटर क्या निकल के आ रहा है, वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट हमारे यहां पर आंसर हो जाएगा। रिजिडिटी उतना इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि कॉम्पैक्शन के थ्रू पार्टिकल पास पास आ जाते हैं, और तो मटेरियल क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है, और मटेरियल यूज, जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं वो भी हमारे यहां पर नहीं निकल के आएगा। तो हम बात करते हैं यहां पर 14 का ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहां पर आंसर निकल करके आएगा। तो हम बात करते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर 14 के लिए। 15 की बात करते हैं यहां पर, अ मैप हैविंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एज, तो हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, तो स्केल इज इक्वल टू क्या होता है, स्केल इज इक्वल टू होता है मैप लेंथ अपॉन ग्राउंड लेंथ निकल करके आता है, मैप लेंथ अपॉन ग्राउंड लेंथ निकल करके आता है। तो मैप लेंथ अपॉन ग्राउंड लेंथ कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर अपॉन 3 किलोमीटर, लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेम यूनिट में तो किसमें, आरएफ में होगा, तो आरएफ इज इक्वल टू कितना होगा, 1 सेंटीमीटर अपॉन 3 किलोमीटर को पहले तो मीटर में कन्वर्ट करो, और मीटर को किसमें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो हम बात करें कितना, 10^5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो हम बात करेंगे कितना हो जाएगा, 1/3 × 10^5, और 3 × 10^5 कौन सा ऑप्शन निकाल करके दे रहा है हमें, ऑप्शन नंबर 2 निकाल करके दे रहा है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर निकल करके आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बस ऐसे ही आंसर देते चलो, सारे के सारे आंसर देते चलो। अगेन हम बात करते हैं, अगर हमें लार्ज स्केल, इनमें से पूछा जाता है कि लार्ज स्केल कौन सा है, लार्ज स्केल कौन सा है, तो लार्ज स्केल कैसे निकालते हैं, तो लार्ज स्केल निकालने का तरीका क्या है, हायर आरएफ, हायर आरएफ, हायर विल बी स्केल,
हायर विल बी स्केल। अगर हम बात करते हैं कि स्केल अगर ज्यादा है, कौन सा स्केल बड़ा होगा जिसमें हम बात करते हैं, वो हमारा जिसका आरएफ ज्यादा होगा वही स्केल हमारा बड़ा स्केल निकल करके आएगा। ठीक है, चलो 16 नंबर की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा वो है जिसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर कर सकते हैं, मे बी मेजर्ड इन द स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर में मेजर किसको कर सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर मीटर में किसको मेजर कर सकते हैं, तो हम आते हैं रूफ स्लैब। रूफ स्लैब को हमेशा किसमें, स्क्वायर मीटर में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। बैफल यूनिट, बैफल यूनिट को भी किसमें करते हैं, स्क्वायर मीटर में करते हैं। जालीज जो होती हैं, हम आते जेफरीज जिन्हें बोलते हैं, आरसीसी वर्क की जो जालीज बनी होती है, जेफरीज होती है, उनको भी किसमें, स्क्वायर मीटर में। तो सभी को स्क्वायर मीटर में कर रहे हैं, इसलिए हमारा सरकारी ऑप्शन यहां पर निकल गया आएगा, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। बड़ी ना इंसाफी है, बड़ी ना इंसाफी है, कंजूसों के साथ बड़ी ना इंसाफी है, लाइक ही नहीं करते हैं, ठीक है, शेयर भी नहीं करते। चलो तो हम बात करें ऑप्शन नंबर 16 का, हम बात करें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 17 की बात करते हैं। इन अ रिजिड जॉइंटेड फ्रेम द जॉइंट्स आर कंसीडर्ड। हाँ बिल्कुल, तो हम बात करते हैं इन अ रिजिड जॉइंटेड फ्रेम, अगर हम रिजिड जॉइंटेड फ्रेम की बात करते हैं, द जॉइंट्स आर कंसीडर्ड, जॉइंट्स को कैसा कंसीडर किया जाता है, तो रिजिड जॉइंटेड फ्रेम की बात करते हैं, जॉइंट्स को क्या कैसा कंसीडर किया जाए, आर कंसिडर टू रोटरी ओनली एज अ होल। रिजिड जॉइंटेड फ्रेम में हम बात करते हैं जॉइंट्स को इतना रिजिड कंसिडर किया था कि पूरा का पूरा फ्रेम ही यहां पर रोटेट होगा, इस जॉइंट से कोई भी मेंबर यहां पर रोटेट नहीं होगा। तो नॉट टू रोटेट एट ऑल, हम कहें नॉट टू रोटेट एट ऑल, हम कहें ये तो नहीं होगा। दैट 50% ऑफ मेंबर रोटेट इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड 50 इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। गुड इवनिंग हमनिया माने जी। तो हम बात करते हैं यहां पर, हम कहते हैं नन ऑफ द अब हो नहीं सकता, क्योंकि क्या है, टू रोटेट ओनली एज अ होल यहां पर निकल गया है। तो ऑप्शन नंबर 17 का 1 इज द राइट आंसर। 18 की बात करते हैं हम। अ बिल्डिंग हैज बीन परचेज्ड बाय अ पर्सन एट अ कॉस्ट ऑफ 25,000, द यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 40,000। यूजफुल लाइफ कितनी है, 40,000 है, सॉरी 40 ईयर्स है, एंड द स्क्रैप वैल्यू इज 3,000। कैलकुलेट द एनुअल सिंकिंग फंड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है, और उसने क्या दे दिया है, कुछ हम बात करते हैं। गुरप्रीत सिंह जी आपका नेटवर्क इश्यूज होगा, बाकी देखिए अभी मैंने पूछा था, मैंने अभी पूछा हुआ था सभी से, तो देखिए किसी का भी वीडियो बफर नहीं कर रहा है, तो हम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हमारे पास एनुअल सिंकिंग फंड जो निकल के आता है वो कितना होता है, वो हमारा होगा एस आई अपॉन 1+i^n-1 निकल के आया। एस क्या होता है हमारा, एस होता है टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड टू बी एक्यूमुलेटेड। तो टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड जो एक्यूमुलेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो हम बात करें टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड तो कितना, 25,000 में से कितना, केवल 3,000 मिल रहा है, बाकी सारा का सारा अमाउंट क्या हो रहा है, डूब रहा है। हम कहें कितना परसेंटेज है, 5% का रिटर्न है, 5% का इंटरेस्ट है, तो कितना, 0.05। हम बात करें 1+, अरे यार ये क्या हो गया, तो हमें 1 upon 1+0.05 की पावर कितना हो जाएगा हमारा, हमारा 40 निकल के आएगा, -1। तो बताओ अब इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है, 1.05 की पावर 40 की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है दे दी गई है या नहीं, बिल्कुल दे दी गई। अगर ये वैल्यू दे दी गई है तो आप इसकी वैल्यू लगा करके आंसर निकाल सकते हैं। आंसर क्या आ रहा है भैया, आंसर आ रहा है 182। क्लियर है, तो हम बात करते हैं यहां पर 18 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर निकल के आएगा, ठीक है, क्लियर है बात। चलो 19 की बात करते हैं। इलास्टिक स्ट्रेन ड्यू टू द डायरेक्ट फोर्स इज गिवन बाय, डायरेक्ट फोर्स के कारण जो इलास्टिक स्ट्रेन निकल करके आती है वो इलास्टिक स्ट्रेन कितना निकल करके आती है, तो डायरेक्ट फोर्स के कारण जो इलास्टिक स्ट्रेन निकल के आती है वो कितना था, वो होता है पी स्क्वायर एल अपॉन 2ae निकल करके आता है, कितना, पी स्क्वायर एल अपॉन 2ae। तो 19 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, पी स्क्वायर एल अपॉन, देखो डायरेक्ट फोर्स बोला गया है, फोर्स बोला गया है, अगर फोर्स नहीं बोलता, मूवमेंट बोलता तो अलग होता। अगर हम आते हैं, अगर हम शेयर फोर्स बोलता तो शेयर फोर्स के कारण कितना निकल गया था, शेयर फोर्स के कारण कितना, वी स्क्वायर एल अपॉन 2ga निकल कर गया था, कितना, टी 2ga। और अगर टॉर्शन के कारण बोलता तो कितना होता, जल्दी बता दो, टॉर्शन है, बस टी लगा दो, टी स्क्वायर एल अपॉन 2gl निकल गया, 2gj निकल गया था। मूवमेंट के कारण कितना होता है, अब ये यही वाले फॉर्मूले में मूवमेंट के कारण निकाल दो, मूवमेंट के कारण कितना होता है, एम स्क्वायर एल अपॉन 2ei निकल करके आ जाता है। तो ये किसके कारण, शेयर के कारण, टॉर्शन के कारण, मूवमेंट के कारण,
शेयर के कारण, टॉर्शन के कारण, मूवमेंट के कारण, और ये किसके कारण होगा, ये फोर्स के कारण है, अप्लाइड फोर्स के कारण निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पर 19 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट आंसर। तो देखो 10:15 बजे हम एक छोटा सा सेशन लेकर के आ रहे हैं 10:15 PM पर, जिसमें हम बात करेंगे कि व्यापम होगा या नहीं। कई लोगों को डाउट हो रहे थे कि व्यापम होगा या नहीं, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन वहां पर शेयर करने वाला हूं कि आपको व्यापम की क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, जो आपको मैं बार बार हर सेशन में यही बोल रहा था, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया, जब तक नोटिफिकेशन नहीं है, जब तक किसी भी चीज़ पे मानना नहीं है, तो उसकी कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी जो है वो मैं आपको दिखा दूंगा, आज बता दूंगा कि क्या होने वाला है। क्लियर है, सारी चीजें वहां पर आपको क्लियर बता दूंगा। चलो 20 की बात करते हैं यहां पर। स्पेरिकल स्टील प्रेशर वेसल ऑफ 400 mm इन डायामीटर विद अ वॉल थिकनेस ऑफ 20 mm इज कोटेड विद अ बिटर लेक्योर दैट क्रैक्स व्हेन स्ट्रेन एक्सीड 200 × 10⁻¹⁷। व्हाट इंटरनल प्रेशर विल कॉज द लेक्योर to develop cracks if E is equal to 200 gigapascal and mu is equal to 0.3 निकल करके आ रहा है। जल्दी बताओ, इसमें कौन सा लगेगा, इंटरनल प्रेशर का फॉर्मूला लगेगा, मतलब प्रेशर वेसल, प्रेशर वेसल ना। हाँ, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाता है, PD upon 40। तो हमें क्या निकालना, प्रेशर निकालना है। सिग्मा की वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में, तो हमें क्या पी इंटू डी की वैल्यू, डी की वैल्यू कितना दिया गया 400 mm है, तो डी की वैल्यू हमारा 400 mm निकल के आ रहा है। ठीक है, अपॉन 40, 4 × T, टी थिकनेस कितना है 20 mm निकल के आ रहा है, तो बताओ ये कितना आ रहा है, तो हमें 4 × 8, 8 × 5 = 40, तो कितना 5P निकल के आ रहा है, कितना 5P। स्ट्रेन इज इक्वल टू हमें कितना दे रहा है, स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन ई, 1 - μ निकल करके आता है, 1 - μ निकल के आता है। तो हम बात करते हैं कितना है 200 × 10⁻¹⁷ इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, तो हमारे सिग्मा कितना है 5P अपॉन ई की वैल्यू कितना है 200 × 10³ मेगा पास्कल में लगा दिया हमने। ठीक है, मेगा पास्कल में लगा दिया हमने, तो हम क्या, या गीगा पास्कल में लगा दो, 10⁹ लगा दो सीधा। 1 - μ की वैल्यू कितना है 0.3, तो बस यहां से पी की वैल्यू ही तो सॉल्व करना है, प्रेशर वैसर, प्रेशर प्रेशर तो लग जाएगा यानी। हाँ बिल्कुल, तो हम आकर कितना आएगा, पी की वैल्यू कितना आया है जल्दी बता दो, पी की वैल्यू सॉल्व करने पे आ रहा है 1.14 MPa यानी न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो 1.14 MPa निकल करके आ रहा है, कितना 1.14 MPa। तो 20 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 21 की बात करते हैं यहाँ पर। इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग और आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स लाइंग ऑन द कंटूर इज कॉल्ड, इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग, अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग की बात करते हैं, तो डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग के अंदर द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग और आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स लाइंग ऑन अ कंटूर इज, लाइंग ऑन अ कंटूर इज क्या बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल कंट्रोल, सेंटरिंग नहीं बोले थे, यहाँ सेंटरिंग नहीं होती है, रेंजिंग, रेंजिंग का मतलब क्या होता है, रेंजिंग का मतलब एक ही लाइन में लेकर के आना उन पॉइंट्स को, तो हम क्या बोलते हैं वर्टिकल कंट्रोल बोल रहे होते हैं, उनका वर्टिकल कंट्रोल हम चेक कर रहे होते हैं कि वर्टिकल कंट्रोल कितना निकल करके आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं वर्टिकल कंट्रोल। हॉरिजॉन्टल कंट्रोल क्या बोलते हैं, कि कितना साइड वाइज लेटरली स्वे होगा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। सेंटरिंग का मतलब क्या है, कि किसी पॉइंट को लोकेट करना। अब इसमें क्या बोला, आइडेंटिफाइंग द पॉइंट्स लाइंग ऑन द कंटूर, कंटूर पे जो लाई कर रहे हैं उनको ही पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं वर्टिकल कंटूर बोलता बोला जाता है, क्या बोला जाता है वर्टिकल कंटूर बोला जाता है। तो 21 की जब हम बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही आंसर निकल गया है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन। मतलब स्केलिंग ऑब्जेक्ट्स मेक देम, स्केलिंग ऑब्जेक्ट्स मेक देम, अगर ऑब्जेक्ट्स की स्केलिंग कर रहे हैं तो उनको क्या बनाता है, अगर हम स्केल बना रहे हैं तो या तो एक छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा बनाएंगे या फिर बड़े ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, केवल एक ही तरीके का स्केल थोड़ी ना होता है, तो डिपेंड करता है किस पे, आरएफ पे। अगर आरएफ की वैल्यू लेस देन 1 आती है, आरएफ की वैल्यू लेस देन 1 आती है, तो हमारा क्या होता है रिड्यूसिंग स्केल होता है,
कौन सा रिड्यूसिंग स्केल होता है। और अगर हम बात करते हैं आरएफ की वैल्यू ग्रेटर देन वन आती है तो कौन सा होता है, आरएफ की वैल्यू जो ग्रेटर देन वन आती है तो क्या होता है, इनलार्जिंग स्केल होता है। कौन सा इनलार्जिंग स्केल निकल कर क्या आता है, कौन सा इनलार्जिंग स्केल निकल कर आता है, ठीक है। और आरएफ की वैल्यू इक्वल टू वन आती है तो क्या होता है, हमारा होता है सेम स्केल होता है। अगर हम बात करते हैं फुल साइज स्केल निकल के आता है, वो क्या होता है, वो फुल साइज स्केल यहां पर निकल करके आ रहा होता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे 22 की, तो 22 का हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो 23 की बात करते हैं यहां पर, द प्रीलिमिनरी टेस्ट इज रिपीटेड इफ द डिफरेंस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 3 टेस्ट स्पेसिमेन एक्सीड, द प्रीलिमिनरी टेस्ट इज रिपीटेड इफ द डिफरेंस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 3 टेस्ट स्पेसिमेन एक्सीड, 3 टेस्ट स्पेसिमेन एक्सीड, कितना जो डिफरेंस निकल कर के आता है वो कितने से ज्यादा होता है, वो यदि 15% से ज्यादा निकल के आता है, जो हमारी डिस्क्रिपेंसी होती है वो 15% से ज्यादा निकल करके आती है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा प्रिलिमिनरी टेस्ट को हम रिपीटेड कर देते हैं। प्रिलिमिनरी टेस्ट को क्या करते हैं, हम रिपीट कर रहे होते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर 15% से ज्यादा अगर निकल के आता है तो हम बात करते हैं यहाँ पर वो होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि कंक्रीट में अगर हम आते हैं 1 to 5 meter cube का है, 1 to 5 meter cube का कंक्रीट है, तो कितने नंबर ऑफ स्पेसिमेन लेते हैं, एक, 6 to 15 में कितने लेते हैं, 2, 15 to 16 to 30 में कितना लेते हैं, 3 लेते हैं, और 31 to 50 में कितना लेते हैं, 4, और उसके बाद 51 एंड अबव पे 4+1 additional फॉर एवरी 50 meter cube के लिए, 1 additional फॉर एवरी 50 meter cube के लिए लेकर के आते हैं, क्लियर है। तो 23 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर निकल करके आता है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर निकल गया। तो 23 की बात करते हैं, यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो होता है वो राइट आंसर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की बात करते हैं, यहां पर 24 की बात करते हैं, ठीक है। इफ अ सिस्टम हैज मोर इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम देन नंबर ऑफ फोर्सेस देन द सिस्टम इज, इफ अ सिस्टम हैज मोर नंबर और मोर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम देन द नंबर ऑफ फोर्सेस देन द सिस्टम इज, सिस्टम को क्या, जो नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा आ जाते हैं किससे, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन किससे हैं, ज्यादा है नंबर ऑफ फोर्सेस से, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्शियली कंस्ट्रेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पार्शियली कंस्ट्रेंट, हम कहते हैं पार्शियली कंस्ट्रेंट यहां पर बोला जा रहा होता है, पार्शियली कंस्ट्रेंट। वन सैंपल में कितने स्पेसिमेन लेते हैं, 3 स्पेसिमेन लेते हैं भैया हमेशा, तो हम बात करते हैं उसको क्या बोला, पार्शियली कंस्ट्रेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा राइट आंसर, तो 24 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर निकल गया, ठीक है। 25 की बात करते हैं यहां पर, 25 की बात करते हैं यहां पर, ठीक है। द एंगल बिटवीन द प्लांस ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज, फिल इन द ब्लैंक्स, द एंगल बिटवीन द प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज दिस वन, कितना 90 degree जनरली होता है, यानी कितना होता है जनरली 90 degree, एंड बिटवीन द प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन के लिए कितना निकल के आता है, 45 degree निकल के आता है, क्योंकि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, σ1 - σ3/2 × sin 2θ निकल के आता है, और ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब sin 2θ की वैल्यू 1 हो जाएगी, और sin 2θ की वैल्यू अगर 1 होती है तो थीटा की वैल्यू कितने निकल के आती है, 45 degree निकल के आते हैं। तो टाउ मैक्सिमम कहां पर होगा, टाउ मैक्सिमम 45 degree पे निकल के आ गया, तो टाउ मैक्सिमम की वैल्यू कहाँ पे निकल के गई, जो टाउ मैक्सिमम की वैल्यू निकल के आती है वो 45 degree पे निकल के आती है। तो 25 की बात करते हैं, तो 25 का क्वेश्चन नंबर का जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा कौन सा आंसर होगा, वो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर निकल करके आएगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर निकल करके आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भैया, 26 नंबर की बात करते हैं, तो 26 नंबर की बात करते हैं, 26 नंबर का क्या होगा, What is the IRC? What is IRC recommended width of a single lane carriageway? अगर हम सिंगल लेन carriageway की बात करते हैं, ठीक है, हाँ सिंगल लेन carriageway की बात करते हैं, तो सिंगल लेन carriageway के लिए जो हमारा IRC recommended width निकल के आती है वो कितनी होती है, तो सिंगल लेन के लिए कितना होता है, 3.75 निकल के आता है। अगर हम बात करें डबल लेन की बात करें, डबल लेन विदाउट कर्व की बात करते हैं, विदाउट कर्व कितना निकल के आता है, वो होता है 7 meter निकल के आता है। और अगर हम बात करें डबल लेन की बात करते हैं, डबल लेन विद कर्व निकल करके आता है, तो विद कर्व कितना निकल के आता है, वो होता है 7.5 meter निकल करके आता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो डबल लेन विद कर्व भी हमने निकाल लिया डबल लेन, और अगर हम बात करें मल्टी लेन, अगर हम इंटरमीडिएट लेन की बात करें, तो इंटरमीडिएट बताओ, इंटरमीडिएट लेन की बात करते हैं, तो इंटरमीडिएट लेन के बारे में बताओ कितना निकल करके आएगा, वो निकल करके आता है कितना, 5.5 meter।
और मल्टी लेन के लिए बात करें तो मल्टी लेन के लिए कितना निकल के आता है, वो निकल के आता है 3.5 मीटर ईच लेन निकल करके आता है, ईच लेन 3.5 मीटर ईच लेन निकल करके आ रहा होता था। 26 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर राइट आंसर निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर 26 की बात करें। 27 की बात करते हैं, द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कमर्शियल व्हीकल इन द ट्रैफिक सर्वे, ट्रैफिक सर्वे में कौन सा एक कमर्शियल व्हीकल कंसिडर नहीं किया जा रहा होता है, कमर्शियल व्हीकल कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है, तो 27 की बात करते हैं, हमारा क्या है, ट्रैक्टर विद अ एक्सेल लोड लेस देन 3.5 टन, अगर ट्रैक्टर का लोड लेस देन 3.5 टन होता है, जो एक्सेल लोड होता है 3.5 टन से कम होता है, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या नहीं कंसिडर नहीं करते हैं, हम इसको कमर्शियल व्हीकल कंसिडर नहीं कर रहे होते, तो हम बात करते हैं, हाँ मॉर्निंग हमारा 10 AM पर सेशन होता है प्रैक्टिस सेशन, और रात को 9 PM पर सेशन होता है, ठीक है, इसके अलावा हमारी मास्टर क्लासेस चलती रहती हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, SSC JEE मास्टर क्लास जो है वो 12:30 PM पर डेली होती है, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, चलो तो मतलब 27 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 28 की बात करते हैं, यहां पर कैलकुलेट द क्वांटिटी, अगर हम बताते हैं क्या बोल रहा है वो, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन द क्यूबिक मीटर ऑफ द कैनाल एम्बैंकमेंट ऑफ 100 मीटर लॉन्ग हैविंग द हाइट ऑफ 3 मीटर एंड 5 मीटर एट टू एक्सट्रीम एंड एंड टॉप ब्रेथ, हम बात करते हैं टॉप ब्रेथ ऑफ द, चलो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और दिखाई देगा क्लियरली, ठीक है, टॉप ब्रिथ की बात करते हैं, यहां पर टॉप ब्रिथ जो दिया गया वो कितना दिया गया है, हमारा एम्बैंकमेंट 2 मीटर एंड 4 मीटर दे दिया गया है, 2 मीटर एंड 4 मीटर दे दिया गया है, तो उस कंडीशन में बात कर बताओ कि हमारा जो ट्रेपेजोइडल रूल से हमें निकालना है, साइड स्लोप भी दे दिया गया है, तो ट्रेपेजोइडल रूल से निकालना है तो कितना निकल करके आएगा, तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया निकाल लो, आगे वाला एरिया अगर हम बात करें तो आगे वाला एरिया कितना है, A1 है, तो आगे वाला एरिया A1 इज इक्वल टू कितना होता है, तो हमारे क्या टॉप ब्रिथ, टॉप ब्रेथ प्लस बॉटम ब्रेथ, बॉटम ब्रेथ बाय 2 इंटू कितना हाइट निकल करके आएगा, तो हमें टॉप ब्रेथ कितना दिया था, हमें यहां पर क्वेश्चन में दिया था कितना दिया था, जल्दी बता दो, 2 और 1.4 कितना दिया है, 2 मीटर है टॉप ब्रेथ यहां पर, तो टॉप ब्रेथ ऑफ द कितना है 2 है और बॉटम ब्रेथ कितना है 1.4 निकल गया है, ठीक है, तो 1.4 बाय 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी निकल गई, 3 मीटर, एच कितनी है, हाइट कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है, इसी तरीके से A2 निकाल लो, A2 इज इक्वल टू कितना होगा, टॉप ब्रेथ प्लस बॉटम ब्रेथ, टॉप ब्रेथ कितना है हमारा 4, बॉटम ब्रेथ कितना है 24/2 इंटू कितना आएगा 5, देखो यहां पर 3 मीटर दिया है, यहां पर कितना दिया है 5 मीटर, क्योंकि तुम कैसे निकालोगे 2:1 से निकालोगे, इससे पता चलेगा, इससे निकालोगे 2:1 से, ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पर 2:1 से, 12:30 बजे क्लास होती है मास्टर क्लास, ठीक है, थैंक यू अभी कहां से थैंक यू यार, चलो तो हम बात करते हैं यहां पर कितना हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू निकल के आएगी, A2 वैल्यू निकल के आई, A2 आ गया, A1 आ गया, और A1 A2 आ गया, तो बस अपना फॉर्मूला लगा दो हम, V इज इक्वल टू कितना होगा, V इज इक्वल टू निकल के आएगा L/2 इंटू A1 प्लस A2 निकल करके आ जाएगा, बस इसमें फॉर्मूला लगाना, L की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दी गई थी, कितना दे गई है 100 मीटर दी गई है, यानी देखो ये एम्बैंकमेंट कितना है, लेंथ है 100 मीटर, 100 मीटर के बीच में 2 क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो 2 क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो हम क्या A1 A2 की वैल्यू निकाल ली है, और उसके बाद निकालो तो आंसर कितना आ रहा है 28 का, बताओ 28 का आंसर आ रहा है 4,4,7,0, कर लोगे इसको, मैंने मेथड बता दिया है, तुम कर लोगे, अच्छा ओके ये कर लोगे चलो आगे बढ़े, 29 की बात करते हैं, यहां पर 29 का आंसर बताओ, द आइटम ऑफ स्टील वर्क विच इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, आज तो QSC के क्वेश्चन भर भर के हैं, चलो द आइटम ऑफ स्टील वर्क विच इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, आइटम ऑफ स्टील वर्क विच इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, तो कॉलेप्सिबल गेट किसमें करते हैं, स्क्वायर मीटर में कर रहे होते, कॉलेप्सिबल गेट हम बात करते हैं यहां पर स्क्वायर मीटर में, रोलिंग शटर किसमें करते हैं स्क्वायर मीटर में, स्टील लोड्स किसमें करते हैं स्क्वायर मीटर में, तो भैया सभी को स्क्वायर मीटर में करते हैं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट,
29 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर आ जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, तो 29 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, 30 की बात करते हैं। इन ट्रेल साइकिल मेथड द ग्रीन पीरियड G1, इन ट्रायल साइकिल मेथड की बात करते हैं, ग्रीन पीरियड G1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो देखो अब ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है, सिग्नल डिजाइनिंग के क्वेश्चन है, तो हम ट्रायल साइकिल मेथड में जब हम बात करते हैं तो ट्रायल साइकिल मेथड में जो ग्रीन टाइम हम डिफाइन करते हैं वो किससे डिफाइन करते हैं, वो हम सीधे सीधे हम बात करते हैं 2.5 N1C1/900 से डिफाइन करते हैं, 2.5 N1C1/900 से डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम बात करें 2.5 N1C1/900 से डिफाइन कर रहे होते हैं, और G2 की वैल्यू किससे करते हैं, 2.5 N2C2/900 से डिफाइन कर रहे होते हैं, तो वो हमारा यहाँ पर वैल्यू डिफाइन करते हैं। ठीक है, और A1 A2 अंबर टाइम होता है, और आपको यहाँ पर पता होगा अगर हम फेज की बात करें तो फेज में क्या निकल के आता है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर G1 की बात करें, A1 की बात करें, फिर R1 आता है। ठीक है, R1 आता है, यानी उसी तरीके से यहाँ पर देखो तो हम बात करें R2 निकल के आता है, यहाँ पर कितना G2 और फिर A2 निकल करके आ रहा होता है। तो ये कंडीशन में बात करते हैं तो 30 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर निकल के आता है। 30 की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। 31 की बात करो, यहां पर जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा 31 का, 31 का आंसर बताओ जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट एलिमिनेटेड बाय द मेथड ऑफ रिपीटेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट। हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट के रिपीटेशन के द्वारा कौन सी एरर है जो यहां पर एलिमिनेट नहीं की जा सकती है, तो हम आते हैं एरर ड्यू टू द इसेंट्रिसिटी ऑफ बर्नियर, गलत बात है, इसेंट्रिसिटी ऑफ बर्नियर के कारण होती है, तो दोनों हम रिपीटेड मेथड करते हैं उनका एवरेज लेते हैं तो बहुत हद तक एरर एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, एरर ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेशन ऑफ सिंगल, भैया डिस्प्लेसमेंट के कारण, एक बार स्टेशन को तुमने डिस्प्लेस कर दिया उसके बाद दूसरी एरर आएगी तो यहीं से ही रिपीटेशन करना पड़ेगा तब जाकर के एरर रिमूव होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के कारण, जो डिस्प्लेसमेंट के कारण जो एरर आ गई वो क्या हर एक ऑब्जर्वेशन में एरर आएगी, हर एक ऑब्जर्वेशन में एरर निकल के आए, वो एरर क्या होगी, हर एक ऑब्जर्वेशन में निकल करके आएगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के कारण जो होती है वो एरर जो होगी वो हमारी क्या है, मेथड ऑफ रिपीटेशन से भी एलिमिनेट नहीं होती है। एरर ड्यू टू द रॉन्ग एडजस्टमेंट ऑफ द लाइन ऑफ कॉलिमेशन, तो ये भी हमारा क्या है, हो सकती है, इसमें बोला नॉट एलिमिनेटेड, ये तो एलिमिनेट हो सकती है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन की एरर जो है वो अगर बार बार लेंगे तो हमारा एलिमिनेट हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की एरर होगी क्या रिपीटेशन से, वो नहीं होगी। एरर ड्यू टू द इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन प्रॉपर नहीं है, स्केल प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपरली मार्क नहीं है, तो आप गलत ही पढ़ोगे, और गलत पढ़ने के बाद बार बार रिवीजन करोगे तो क्या एवरेज वैल्यू लोगे, और एवरेज वैल्यू जो बार बार लिए गए ऑब्जर्वेशन है उनसे कम ही निकल करके आएगी, तो बताओ इसमें सबसे बेटर आंसर कौन सा निकल के आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के कारण जो एरर हो जाएगी वो फिर से हमारा एलिमिनेट नहीं हो सकती, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा ज्यादा बेटर आंसर है। 32 की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है 32 की बात करते हैं यहाँ पर। मैक्सिमम श्रिंकेज टेक प्लेस इन द कॉन्क्रीट आफ्टर ड्राइंग फॉर, मैक्सिमम श्रिंकेज टेक प्लेस इन कॉन्क्रीट आफ्टर ड्राइंग फॉर, आफ्टर ड्राइंग करने के कौन सी मैक्सिमम श्रिंकेज होती है, कब तक होती है, हम कहते हैं 28 डेज के बाद, 28 डेज के बाद मैक्सिमम श्रिंकेज निकल के आती है, 3 मंथ तक तो हम बात करते हैं इतने ज्यादा श्रिंकेज निकल करके नहीं आ रहा था। ठीक है, 33 की बात करते हैं। द शेयर स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क इज, अगर हम शेयर स्ट्रेस की जो बात करते हैं वो एट अ पॉइंट हम बात करें सब्जेक्टेड किस पे है, टॉर्क पे सब्जेक्टेड है, और अगर टॉर्क पे सब्जेक्टेड क्या निकल गया था, हम टॉर्शन इक्वेशन टी वाई जे इज इक्वल टू टाउ वाई आर इज इक्वल टू जी थीटा वाई एल, बस ये टॉर्शन इक्वेशन तो लिखनी है, अब बता दो, अब मैं टॉर्क इज, जो टॉर्क है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस, क्या बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द, तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, यानी ये क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट हम बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टॉर्क एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टॉर्क एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शेयर स्ट्रेस की बात करें, चलो शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टॉर्क एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलर मूवमेंट ऑफ, बिल्कुल हम कहें टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जे निकल के आ रहा है, तो हम कहें ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया, सही निकल गया है। सभी को समझ में आया, समझ में आया, ये टॉर्क के ये शेयर स्ट्रेस के, शेयर स्ट्रेस से निकालना था हमें क्वेश्चन में, तो हम क्या ऑप्शन नंबर 2 हमारा ज्यादा बेटर आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर 2
बी ऑप्शन है, तो ये इक्वेशन निकाल करके शेयर स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन अ शार्प सब्जेक्टिव टॉर्क, तो शेयर स्ट्रेस के बारे में रिलेशनशिप निकाले गए, सॉरी पहले वाले में मैंने किससे देख लिया, टॉर्क से देख लिया, लेकिन शेयर स्ट्रेस के बारे में निकाले गए। चलो तो 33 की बात करते हैं, 34 की बात कर लेते हैं, द सेंक्शन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट डिजाइन कैलकुलेशन क्वांटिटीज ऑफ वर्क रेट्स एंड कॉस्ट ऑफ द वर्क बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज कॉल्ड एज। सेंक्शन ऑफ डिटेल एस्टिमेट हम बात करते हैं, डिजाइन कैलकुलेशन क्वांटिटीज ऑफ वर्क रेट्स एंड कॉस्ट ऑफ द वर्क बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टेक्निकल सेंक्शन। सबसे पहले क्या रहता है, डिटेल एस्टिमेट निकला है तो डिटेल एस्टिमेट पे क्या मिलता है हमें, टेक्निकल सेंक्शन मिलता है, यानी तो टेक्निकल सेंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव कब मिलता है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। अगर यहां पर क्वेश्चन में पूछता प्रिलिमिनरी एस्टिमेट की बात करता है, तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट में क्या निकल के आता है, हमारा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट में निकल के आता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल निकल करके आता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, सभी को कमेंट सेक्शन में क्या करना है, इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में सभी इसका आंसर बताइएगा। चलिए तो मैं आपको बता देता हूं, भैया देखो सभी लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रिक्वेस्ट क्या, मैं आपके भले के लिए बात बता रहा हूं कि भैया तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सुपर कोचिंग जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तुम्हें बहुत ही आसानी से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने की तैयारी देता है। तो अगर हम बात करते हैं सुपर फास्ट में प्रिपरेशन करना है तो सुपर कोचिंग के थ्रू जा सकते हैं। अब यहाँ पर स्मार्ट कोर्सेज भी लॉन्च है कि हम जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट थे हमें वहां पर अलग अलग फैकल्टी के साथ पढ़ने में मजा आता था, तो हम अलग अलग इंस्टीट्यूट की तरफ भागते थे, अब वो इंस्टीट्यूट सारे एक ही तरह के तरह क्लब कर दिए गए, तो स्मार्ट क्लासेस भी आपके यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। और आज ही गेट के लिए वन डे फ्री ट्रायल भी है, वन डे फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है, तो वन डे फ्री ट्रायल भी आप जा सकते हो, वन डे फ्री ट्रायल है आपका, कोई भी अमाउंट नहीं लगेगा, आप उसमें जाइएगा देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। और दोनों ही कंडीशन में आप वैभव पोर्टल, चाहे AEJEE के लिए आप सब्सक्रिप्शन एड ऑन करना चाहें, चाहे आप किसके लिए AEJEE, चाहे आप गेट के लिए, लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे, अभी रुक जाओ ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सारे कोर्सेज निकल के आ रहे हैं, यहाँ पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी कुछ कवर अप हो रहा है, डाउट सॉल्विंग सेशन हो रहे हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन हो रहे हैं, तो लाइव सेशन निकल के आ रहे हैं, और मैं भी यहाँ पर आपके लाइव क्लासेस दे रहा हूँ। तो वैभव कोड के साथ AEJEE को भी इनरोल कर सकते हो, वैभव कोड के साथ गेट को भी इनरोल कर सकते हो, गेट का वन डे का यहाँ पर ट्रायल है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर वह कंडीशन है, ठीक है। HPSSC में भी हेल्पफुल है ना ये क्लास, बिल्कुल यार HPSSC में भी हेल्पफुल होगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हम बात करते हैं ये कंडीशन निकल के आ रहे, और बासपास कोड के साथ टेस्ट बुक पास को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, बासपास कोड के साथ टेस्ट बुक पास को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखेंगे तो क्या निकल के आ रहा है, लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर जो निकल के आ रहा है वो हमारा क्या है, हमारा गैल्वेनाइज्ड मींस कवरिंग आयरन विद द थिन कोट ऑफ, किसके साथ गैल्वेनाइज्ड मींस कवरिंग आयरन, किसके साथ, जिंक के साथ यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो आपकी शायरी देख लें कहाँ है, रट्टे मारने वाले बच्चे एग्जाम में तुक्के मार के आते हैं और कंसेप्ट समझने वाले बच्चे एग्जाम में टॉप करके आते हैं, बहुत सही बात है, बहुत सही बात है, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर होगा। और देखो यार कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं देते हो, गलत बात है, हम आते हैं जिंक इज द राइट आंसर, अनुपम मिश्रा जी ने आंसर दिया हुआ है, सर आपका ऐप वर्क नहीं कर रहा है, ओके सम्राट साहिल जी ठीक है, मैं बात कर लूंगा जो भी होगा, ठीक है सम्राट जी आपसे, ठीक है। अनु कुमारी जी यहाँ पर बहुत बढ़िया, तो हम बात करते हैं ये कंडीशन निकल करके आ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर टेस्ट बुक पास को भी यहीं से एक्सेस कर सकते हैं, ओके गाइस। तो 10:15 पे 10:15 पे हम मिलने वाले फिर से एक शानदार सेशन के लिए, जल्दी से 10 मिनट के लिए आ जाना यार, सभी लोग आ जाना 10 मिनट के लिए, वहीं मिलते हैं, ठीक है।